बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैफुल्ला फ्रॉम FTS व्लॉग्स और वी जस्ट हैव स्टार्टेड दिस चैनल और दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। और इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर आपसे हम डिफरेंट बिजनेसेस की फिजिबिलिटी और उनकी एग्जीक्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जो बिज़नेस हम लोग विद ज़ीरो एक्सपीरियंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फैंसी हैंड फार्मिंग है और इसमें हम बेंटम जो एक नस्ल है बिल्कुल छोटा चूज़ा जिसको बेंटम कहते हैं उस बेंटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनके लिए कोई लिविंग प्लेस एक अच्छा सा घर बनाया जाए। तो घर बनाने के लिए मेरे साथ सैयद तौकीर अब्बास शाह हैं। वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस हाउस हैन हाउस इन द मॉर्निंग अराउंड 12 o'clock और इस टाइम शाम के कोई 4 बज चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको बिल्ड कर लिया। जस्ट वी आर बिल्डिंग इट्स डोर। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। घर की छत पे बिल्ड किया है और दिस इज़ द प्लेस नियर सफारी पार्क लाहौर और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बिल्ड किया है। वेरी लो कॉस्ट, वेरी चीप। ये स्लैब्स हम लोगों ने यूज़ लिए हैं, इवन जो ये ईंटें वगैरह जितनी भी हैं ये सब यूज हैं। और यहाँ पर जो हम लोग इनिशिएट करेंगे वो 10 चूज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेंटम ब्रीड के 10 चूज़े जिसमें 2 मेल और 8 फीमेल हम लोग लेंगे। इसके अलावा सील वगैरह भी लेंगे ऑन लेटर स्टेजेस। लेकिन इसको हमने इस तरह से किया है कि सूरज आप देख रहे हैं उस साइड पे गुरूब होता है, लेफ्ट हैंड साइड से जो है उसकी रोशनी आएगी तो पूरा दिन यहाँ पे रोशनी रहे, लेकिन इस तरह से रहे कि डायरेक्ट सनलाइट अंदर ना जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हैंड फार्मिंग के लिए कि आप एरिया कौन सा और जगह कौन सी आप सिलेक्ट करते हैं। एक एयर पैसेज और यहाँ पे हम लोग इसको जाली के साथ बंद कर देंगे इस एरिया को और फ्रंट पे हम इसके एक छोटा सा डोर लगा देंगे। फ्रंट पे हम डोर लगा देंगे तो यहाँ से इतना बड़ा डोर रखने का मकसद ये है कि एक तो परफेक्ट एयर क्रॉसिंग हो जाए और दूसरा यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा ईजी हो। ये सैयद तौकीर हैं जी मेरे साथ और तौकीर साहब इसका डोर बना रहे हैं। इसकी अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो ब्रिक्स तो हम लोगों ने सेकंड हैंड में ली थी और वो तो बहुत सस्ता है, यानी कि आपको मटेरियल मिल जाता है अराउंड ये स्लैब्स और ये सारा मटेरियल जितना भी है इसने हमें तकरीबन कोई 3000 या 3500 के अराउंड कॉस्ट किया है। जबकि जो वुड की आपकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं एक्सेसरीज और छोटी मोटी चीज़ें ये जाली वगैरह इसने हमें तकरीबन कोई 1500 कॉस्ट की है। तो टोटल यानी कि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसेंट लिविंग प्लेस फॉर 10 to 15 चेक्स जो कि आप 6 से 7 महीने तक ग्रूम कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी, इवन आप यहाँ पे 15 से 20 आई थिंक रख सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट जो इस टाइम पे इन 2023 अराउंड 5000 से 6000 तक इसकी कॉस्ट आएगी। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 कौन सी वैक्सीनेशन कहाँ से किस तरह से कौन सी नस्ल और ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताते जाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।